और जैसे ही दोनों मृतक बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया और दोनों को वहां पर निकल गया। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीते दिनों जो पटना सिटी में जो डबल मर्डर हुआ था पटना सिटी के शीतला मंदिर के पास, आज उस मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और जो भी अपराधी थे आज वो पकड़े गए। आपको बता दें कि पटना सिटी में जो डबल मर्डर हुआ था इसको लेकर पूरा पटना दहल गया था और पक्ष और विपक्ष के तरफ से लगातार सवाल उठ रही थी और आज पटना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और जो भी अपराधी थे वो पकड़े गए। और इसका उद्भेदन करते हुए पटना SSP मनोजीत सिंह ढिल्लो क्या कुछ कर रहे हैं देखिए आप इस वीडियो में। आज का सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य था कि दिनांक 6 सितंबर को डबल मर्डर हुआ था बाईपास थाना क्षेत्र में शीतला माता रोड पर। लगभग समय 7:30 बजे दो युवक थे, चंदन कुमार और सौरभ अभिनंदन, ये लोग जा रहे थे बाइक पर और इसी में ही दोनों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। ये काफ़ी सेंसेशनल केस था और एकदम ब्लाइंड केस था। तो जैसे ही इस घटना का पता चला साथ के साथ ही पुलिस हरकत में आई, जहां से ये लोग निकले थे और किस किस के साथ थे हम लोगों ने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। ये अज्ञात के ऊपर केस करवाया था, दोनों के जो मृतक के घर वालों ने अज्ञात के ऊपर केस करवाया था। इसमें विशेष टीम फिर हम लोगों ने बनाई, नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिटी, थानाध्यक्ष बाईपास, थानाध्यक्ष आलमगंज और थानाध्यक्ष अगमकुआं और मेहदीगंज, चार थाना का टीम बना था इसमें। इसमें जो दोनों मृतक थे उसमें सबसे पहला जो क्लू हम लोगों को मिला CCTV फुटेज से मिला, और जो मृतक अभिनंदन सौरभ था ये खुद भी आपराधिक प्रवृत्ति का था। 30/8/22 को ही इसके ऊपर केस हुआ था, जो कि NMCH के बगल में ठेला लगाने को लेकर उसमें आपसी विवाद हुआ था। फिर जहाँ से पूछताछ किया गया और जहाँ से ये लोग निकले थे, तो मृतक के घर वालों से, दोनों मृतक के घर वालों से पूछताछ किया गया। इसी क्रम में पता चला कि जो अपराधी पकड़े गए हैं और जो दोनों मृतक हैं ये सभी आपस में अच्छी तरह से परिचित थे एक दूसरे के साथ। ये लोग गैसिंग का अवैध धंधा भी करते थे और गांजा वगैरह का व्यापार भी करते थे। इसी क्रम में इन लोगों की अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन आपसी वर्चस्व को लेकर इन लोगों के बीच में विवाद होना शुरू हो गया था। उसी क्रम में सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक सेठी नाम का व्यक्ति है जो कि आलमगंज थाना का रहने वाला है, कुम्हरहार का रहने वाला है, ये योजना तकरीबन 8 दिन पहले बनी थी। इनको विश्वास में लेकर ये दोनों लड़कों को, चंदन को और अभिनंदन सौरभ को, उसी के घर में ही जो तीनों अपराधकर्मी पकड़े गए हैं भर दिन उसके साथ रहे हैं, उसी के घर पर रहे, सारा दिन उसके ऊपर वॉच रखा और दारू पिए, खाना खाए, और शाम को उसको विश्वास में लेते हुए इन दोनों लड़कों को बुलाया कि हम तुम लोगों को लेकर चलते हैं और पार्टी करते हैं। इसी क्रम में लोगों ने बीच में जो शूटर्स थे उनको रखा हुआ था और जैसे ही जो दोनों मृतक हैं बाइक पर अपने घर से निकले हैं, थोड़ी दूर बाद जाके इन्होंने शूटर्स को इशारा किया है और दोनों को वहाँ पे इनकी हत्या हो गई थी। इसमें टोटल 3 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। एक का नाम संजय कुमार केसरी है उर्फ चीकू, जो कि गुलजारबाग आलमगंज का रहने वाला है। गणेश कुमार पिता का नाम रामबाबू साहनी, जो कि सादिकपुर मछुआ टोली का रहने वाला है, और मंतोष कुमार जो मुख्य रूप से षड्यंत्र करता है और लाइनर है, पिता विश्वनाथ केवट जो कि मछुआ टोली थाना आलमगंज का रहने वाला है। इसका जो प्रमुख षड्यंत्र करता है वो वर्तमान में फिरार है और उसको छापामारी चल रही है उसको गिरफ्तारी करने के लिए। इस प्रकार इनसे एक जिंदा कारतूस और जो फायर हुआ खोखा वो भी बरामद हुआ है। इनमें से जो तीनों अपराधकर्मी हैं इन्होंने बताया है कि ये लगभग 1 साल से गैसिंग वहाँ से करवाते थे और उसी के जो पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर था इसमें विवाद हुआ था, और जो ठेला लगाने को लेकर भी ये लोग पैसा लेते हैं ठेला वालों से, उसमें भी पहले से इनका विवाद चल रहा था उसी के कारण। चंदन बेसिकली उसके साथ रहता था, गोलू उसका छोटा नाम है जो अभिनंदन है, सिर्फ उसके साथ रहता था, उसका खास मित्र था और जहाँ भी वो जाता था उसको साथ में ही लेके जाता था।
इनका जो मेन टारगेट था अभिनंदन सौरभ था, लेकिन क्योंकि हमेशा वो भी इसके साथ रहता था तो उसको भी साथ में उसको टारगेट कर दिया इन लोगों ने। शूटर को पैसा देकर क्या हैरिकेन? हाँ, 1.5 लाख रुपया इन लोगों को दिया गया है। 1.5 लाख रुपया गोली मारा है जो सेठी का खास आदमी है, ये पहले भी हम लोग उसको खोज रहे हैं। गोपी ठाकुर नाम का शूटर है, एक गोपी ठाकुर है और एक रोशन नाम का शूटर है, दोनों शूटर्स हैं। गोपी ठाकुर पहले भी परसा बाज़ार में जो ऑयल ट्रेडर से लूट हुआ था उसमें वो फिरार चल रहा है। ये इनकी गिरफ्तारी आलमगंज से ही हुई है, ये सभी लोग आलमगंज के ही रहने वाले हैं। सर, ये कहीं ना कहीं ये पूरा मामला गैसिंग से जुड़ा हुआ है, राजधानी पटना में भी कई गैसिंग के अड्डे हैं जो खुलेआम चल रहे हैं, उसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है? आप जान रहे हैं कि बहुत से मीडिया कर्मियों ने हम लोगों को कुछ वीडियो, आप शायद आपने भी भेजा था, हम लोगों को वीडियो भेजा था, उसमें 2 गैसिंग सेंटर्स के ऊपर कार्रवाई हुआ था जिसमें ये लोग पकड़ा भी गया था। एक उसमें केस हुआ है आपका गांधी मैदान थाना में केस हुआ, और एक पीर बहोर में केस हुआ है, दो जगह पे केस हुआ था। जहाँ जहाँ से सूचना आती है वहाँ पे हम लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों का जो अपराध शैली है उसमें एक नई ये चीज़ थी कि अब वो पर्ची वाला गैसिंग से ज़्यादा ये लोग मोबाइल वाला जैसे हो गया है, मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन टाइप का गैसिंग ज़्यादा कर रहे हैं। आजकल बहुत सी ऐप्स आ गई हैं, मोबाइल IPL आ गया है, इस तरह की बहुत सी गेमिंग आ गई हैं, ये अब उसमें उसके माध्यम से लोगों को ज़्यादा जोड़ के, युवाओं को ज़्यादा जोड़ के उसमें इस प्रकार का ये कर रहे हैं। और जो पहले होता था कि ट्रेडिशनल गैसिंग अड्डों पे जाते थे, वहाँ पे पर्ची देते थे, वो धीरे धीरे कम हो गया, ऑनलाइन की तरफ ही ज़्यादा आ गए हैं, और ये लोग भी वही काम कर रहे थे। सर, गुरुवार को पेहोड़ में पुलिस पे अटैक हो रहा है, कल भी वहाँ काफ़ी तभी आपने सुना जो पटना SSP हैं मनोजीत सिंह ढिल्लों, उन्होंने जो पटना सिटी में जो डबल मर्डर हुआ था आज उसका उद्भेदन किया और पटना पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली। वहीं जो पटना SSP हैं वो बता रहे थे कि NMCH के पास एक ठेला लगाने को लेकर ये आपसी विवाद चालू हुआ था, और आपसी विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में जो ये सभी लोग दोस्त थे, और आपसी विवाद और वर्चस्व की लड़ाई में इनका मर्डर हुआ था। और भी क्या कुछ बता रहे हैं पटना SSP मनोजीत सिंह ढिल्लों, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।